पढ़ लो, एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा तुम लोग के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मतलब हो गया आफ्टरनून, लेकिन गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुका हूँ, सब कुछ कर लिया। अब मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ूँगा और उतनी देर में आप भी दौड़ने आप शायद आ जाए। तो वही पुरानी लाइन, नमाज़ पढ़ के मिलते हैं फिर। जब आप भी दौड़ने आप आते हैं तो मिलते हैं फिर, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ भूल गया, सॉरी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिजविश चैनल। तो अब आते हैं आप भी दौड़ने आ तो मिलते हैं नमाज़ पढ़ के, ठीक है। सो गाइज, आप ये देख सकते हैं कि वीडियो के प्रति कितना सीरियस है मेरा भाई। यकीन मानिए, आज भाई को फीवर है। बताओ आबिद है कि नहीं है? भाई को फीवर है। हमने कहा कि आ जाओ दवा खा के, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंटेंट। समझ लो एक भी कंटेंट नहीं हम लोग के पास डालने के लिए। फीवर है लड़के को, फिर भी लड़का आ गया। मतलब इतना सीरियस वीडियो के प्रति। इस व्लॉग को तो वायरल करा दो, बंदा फीवर में आया है वीडियो बनाने। कितना बजे आया है? 3:30 बजे आया है, क्योंकि भाई दवा खाया उसने, आराम मिला तो अभी आया है। तो अब हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे। जो भी बन गया, अगर कुछ बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि डालने के लिए है नहीं कुछ भी, तो हम लोग बनाएंगे। बहुत लोग हम लोगों को क्योंकि धोखा था चले जा रहे हैं इस जर्नी में, बीच बीच में छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं हम लोग को। बहुत लड़कों लड़के हमारे दोस्त लोग इस जर्नी में, क्या ही बताया जाए अपनी रुदास कहानियाँ, क्या बताएं। बहुत लोग बैक वो कर दिए हम लोग को, छोड़ दिए हैं। बस कुछ नहीं, इससे हम लोग को वो मिल लेती है, क्या कहते हैं उसे, मोटिवेट होते हैं हम लोग इससे कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे कोई बहुत दुख भरी कहानी होती है। तो हम लोग की बहुत दुख भरी कहानी है, बायोग्राफी हम लोग की आएगी, लेकिन आप लोग जब वायरल कराओगे तब तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे शूट। आई एम सो सॉरी, क्योंकि हम लोग अभी कुछ नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग अकेले हो चुके हैं। क्योंकि अब ऐसे हमेशा रहता था कंटेंट अलग तरह का, तो उससे प्लानिंग करना पड़ता था, तो अब दो लोग का प्लानिंग करना पड़ेगा। अब हम लोग शूट करेंगे, पहले प्लान करेंगे, स्क्रिप्ट राइट करेंगे। अभी टाइम भी नहीं है, अच्छा हो गर्मी आ गई, 6 बजे तक हम लोग शूट कर सकते हैं ना। तो 3:30 या 4 बज रहा है, तो हम लोग शूट करना स्टार्ट करते हैं। फिर मिलते हैं शूट के बीच में या शूट के बाद, जैसा होता है आप लोग को फिर बताते हैं, ठीक है। चलो दुआ कर दो आबिद भाई के लिए कि आबिद भाई हमारा जल्दी से शफायाब हो जाए, ठीक हो जाए। सुफियान भाई अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से ठीक हो जाए, सही हो जाए। हमारे भाई थे सुफियान भाई, यस बिल्कुल, यही कोशिश है। तो मिलते हैं फिर शूट के बीच में या शूट के बाद। देखिए अपना भाई कितनी मेहनत कर रहा है और इसको बना रहा है, तैयार करना है। देखिए कितनी मेहनत हो रही है भाई की, और इसी पे एक वीडियो का सजेशन हुआ है जिसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और चलिए फिर आपको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है गाइस। देखिए ये हम लोग का जो बनाना था बन गया है, और ये भाई ने बहुत मेहनत की, लगभग बन गया है। भाई ने बहुत मेहनत की और ये तैयारी हो रही थी वीडियो की, और बहुत मेहनत हुई है इसमें। बहुत टाइम लगा है, कम से कम आधा घंटा लगा है इसे बनाने में। और देखते हैं ये वीडियो जाती है वायरल की नहीं जाती है, और मिलते हैं फिर अगले ब्रेक के बाद। पढ़ लो, एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा तुम लोग के, और मतलब आ भी गए और किसी किसी के चल भी रहे हैं, तो इसे देखो, इसे देखो और मोटिवेट हो। पढ़ो 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 पढ़ो। तो गाइस हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है, हम लोग की ऑडियंस बैठी है हम लोग को देखने के लिए। वो देखिए, ये हम लोग की सबसे बड़ी ऑडियंस, हम लोग की आज तक की सबसे बड़ी ऑडियंस है ये। नवाब अंकल ये देखिए, ये सबसे बड़ी ऑडियंस है, और ये हम लोग की सबसे छोटी ऑडियंस है। तो हम लोग का व्लॉग अभी यहाँ पे शूट कंप्लीट हो चुका है। मैं अपने बगल वाले के घर में, जो बगल वाला घर है मेरे, उसकी छत पे हूँ। ये मेरा घर आपको दिख रहा होगा, ये मेरी छत है, और ये देखिए आप नज़ारा थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ मैं अपनी छत से। ये देखिए ये मेरा मोहल्ला है, ये देखिए ये मेरा मोहल्ला है, और ये नज़ारा देखिए, ये क्या नज़ारा है भाई, सूरज डूबते हुए देखिए। वो नहीं बनिया की दुकान है, अगर सामान लेना है तो सामान ले लीजिए आके। और ये काइट उड़ रही है, आज मेरा मन कर रहा है। सो हम लोग का शूट अभी हो चुका है यहाँ पे डन, एंड हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से सीधा घर, और फिर रात में कुछ करते हैं तो दिखाते हैं। आज हम लोग का कैमरा मैन था ये अयाज, कैमरा मैन था हम लोग का आज। हाँ तो हम लोग निकलते हैं अब घर। आबिद भाई की भी आज थोड़ा तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन शूट किसी तरह हुआ हम लोग कम्प्लीट।
शाम के टाइम हुक्का हुक्का पीते हैं तो मिलते हैं, वरना फिर जो भी करते हैं मिलते हैं, अभी तो जा रहे हैं थक गए हैं बहुत, आराम करेंगे कुछ खाएंगे, तो शाम के टाइम मिलते हैं या फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, जैसा भी होता है बताते हैं हम लोग, ठीक है। सो गाइज, मैंने बहुत दिन से मैगी नहीं खाई जैसा कि आपको पता है, बट आज हमारा ये शेफ HM करके आया, कहाँ से, मेरठ से, ये हम लोग को बना के खिलाएगा मैगी। ये देखिए गाइज, पूरा प्याज और लहसुन के साथ, ये इसने, ये है मैगी। मैगी बायकॉट है, बट कसम से यकीन मानो जब से 6-7 महीने मैंने नहीं खाई, बहुत दिल हो रहा था, इसने आज कहा कि खा सकते हैं भाई, तो फिर हमने मंगाया सब सामान, मैगी, ये मैगी है, ये हमारा भाई बना रहा है। अब बनाने के बाद मिलते हैं कि कैसी बनी है और दिखाते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको, एक्सपीरियंस। सो यार, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी बनाते हैं हम मैगी? एक नंबर। अभी भाई मसाला चबा रहा है इसलिए बोलेगा नहीं। ये देखिए गाइस, अब देखते हैं थोड़ी सी देर के बाद ये बना लेता है, तो देखते हैं कैसी बनाता है मैगी। आई होप कि अच्छी बनाएगा, एंड आई विश भी कि अच्छी बनाए दोनों चीज़ें, देखते हैं बना बन जाती है तो फिर मिलते हैं आप लोग से। देखिए हम लोग की मैगी लगभग तैयार है, बस थोड़ी सी इसमें क्या बचा गया है, अभी आँच लगना बाकी है इसमें, बस थोड़ी रहेगी तो पक जाएगी, थोड़ी सी पक जाए, गैस हम लोग ने तो फिर खा दें, गैस बंद कर दिया, क्यों बंद बंद बंद, गैस बंद है, ये ऐसे ही बन जाएगी। अब ये देखिए, अब ये बन जाएगी तो हम लोग आपको खा के डायरेक्ट इसका बताएंगे रिव्यू कि कैसा, अगर खराब हुआ तो 20 लाठी मारेंगे इनको, बहुत पैसा खर्चा हुआ है, अगर अच्छी हुई तो फिर इनका HM का कोर्स कामयाब हो गया, ये बड़े शेफ बन जाएंगे, अगर खराब बनी तो आपको पता चल सकता है, दुआ करिए कि अच्छी बने बस। तो गाइज, हम लोग अब मैगी की फर्स्ट बाइट लेने जा रहे हैं और आप लोग को बताते हैं कि यार भाई ने कैसी बनाई है मैगी। एक भाई नहीं सामने आता, रुको। यार एक नंबर, हाथ निकालिए, एक नंबर भाई, बहुत प्यारी मैगी बनी है, स्वादी, अब आप खा के बताइए, आप खाइए, आप ही भाई टेस्ट करके बताएंगे मैगी। शानदार शानदार। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार मैगी बनी है, हम लोगों ने टेस्ट करी, बहुत ही अच्छी है। मैगी बायकॉट है, नहीं खा सकते, आज खा ली, अब आज के बाद, अब फिर 6 महीने की फुर्सत, कम से कम 6-7 महीने बाद खाई है, तो अब मैगी खाने के बाद बर्तन तो धुलना पड़ेगा, तो उसके बाद मिलते हैं फिर। दोस्तों, हमारा शूट कम्प्लीट हो चुका था एंड मैगी भी जो खाई हम लोग ने आज, हमारे शेफ ने बना के खिलाई मेरठ के, बहुत ही टेस्टी थी। और बस आज के ब्लॉग में इतना था, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं दाढ़ी ऐसे रखता हूँ अभी जैसे है मेरी, देख लो, अब मेरी ये ऐसे आ रही है, जब जो कि मैं पहले ऐसे रखता ही था बड़ी बड़ी मूंछ, तो बताना ऐसे रख लूँ या फिर ऐसे ही रखे रहूँ, या फिर कैसे भी नहीं अच्छा लगता, या फिर दोनों में अच्छा लगता हूँ, तो जो भी हो कमेंट करके बता देना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो पर जो आपका फेवरेट पार्ट हो उसको कमेंट में बताओ कि क्या फेवरेट पार्ट था, और चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड वाले बटन को तोड़ डालो, फोड़ डालो, मोड़ दो, तोड़ दो, लाल से हरा, नीला पीला, कुछ भी कर दो, उसमें बम मार दो, कुछ भी मार दो, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कल की डेट में मुझे 600 सब्सक्राइबर चाहिए, और हाँ एक चीज़ और, 600 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे हो जाएंगे, अभी कुछ 500 समथिंग हो जाए, 600 जैसे ही मेरे हो जाएंगे, मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पर, ठीक है, तो एक Q&A रखेंगे, आप लोग जो क्वेश्चन पूछो मैं उसको आंसर दूंगा, मैं और आप ही दोनों रहेंगे, तो प्लीज़ उसको क्या करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो, 600 कल की डेट में करा दो, चाहे जैसे भी करा दो, प्लीज़ करा दो, तोड़ डालो उसको। तो बस इतना ही है, आई होप मज़ा आएगा वीडियो में, तो कल मिलते हैं किसी नए और शानदार ब्लॉग के साथ, बाय बाय।